हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं हरजिंदर कुमार अते तुसी देख रहे हो तुहाड़ा अपना चैनल गेटवे टू इंग्लिश। जिन्हें विद्यार्थियों ने अजे तक सबसक्राइब नहीं किया उन्होंने बेनती है कि तुसी ये चैनल जो है जरूर सबसक्राइब करो। तो आप सारी ग्रैमर कवर करांगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है सारा कोर्स। तो वो तो वह इसका फायदा लो। जिमें कि तुम जानते हो आप टेंसिज कर रहे थे, इंडेफिनेट्स अपने हो गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। पिछलिया वीडियोज़ भी आप कवर कर चुके हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड से कि भी जल्दी जो है टेंसिज कवर किए जाए, सो इस करके इस वीडियो के आप कंटीन्यूअस जोड़े ने तीन के तीन ही कवर कर लेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है। इसमें कंटीन्यूअस बोलेंगे आप, न्यूअस न्यूज़ नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये टेंसिस ने अपने को। इस टेंस की खास गल यह है कि यह उस समय में दसता है जिस विच काम जारी सीगा, अपना चल रहा होंगे काम, कंटिन्यू काम को यह दर्शाता है ये टेंस जो है, ठीक है। हम देखो पछाण की है पंजाबी दे विच, इन्हां दी पंजाबी च वह वाक जिन्हां दे बिल्कुल लास्ट ते रहा है, रही है, रहे हन, आ जा रही, उसनों आप कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वो वाक है। प्रेजेंट तो मतलब है वर्तमान, पास्ट का मतलब है भूतकाल जो बीत गया समा, फ्यूचर का मतलब है वो समा जो अजे आना है, ठीक है। सो प्रेजेंट दे विच कोई काम चल रहा है उसनों दर्शाने लई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वरतों होंगी है। इन्हों वाकों के लास्ट का रहा है, रही है, रहे हन, आ जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक होंगे, ठीक है। आप कंपैरेटिव चलेंगे हुण, तो इधर देखो तुम पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस के वाक वो होंगे जिन्हां दे एंड ते रहा सी, रही सी, रहे सन, आ जावे, उन्होंने आप पास्ट कंटीन्यूअस दे मन्नांगे। उस तो बाद अपने कोल आ गया फ्यूचर कंटीन्यूअस, रहा होवेगा, रही होवेगी, रहे होणगे, रहियां होणगियां, ठीक है। इस तरह के वाक आणगे, रहा होवांगा भी हो सकता है, यानी कि कॉमन थिंग देखो तिन्हां दे विच की है, रहा, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, तिन्ना दे विच कॉमन चीज है, ठीक है। पछाण दे विच डिफरेंस किथे है, लास्ट वाले शब्द ते, इस दे लास्ट विच है, है, हन, है जा हन, है हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, ठीक है हाँ, हो, हन, इन्हां चो भी कोई भी शब्द लास्ट ते हो सकता है रहा, रहे, रही तो बाद। ओके, उम्मीद करता गल समझ आ गई होगी। इस तरह इधर भी है रहा, रहे, रही तो बाद, लास्ट ते इधर की है सी जां सन होएगा, लास्ट ते रहा, रहे, रही तो बाद सी जां सन जेकर आ जाता है तो समझ जायो कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस होएगा। इधर देखो रहा, रही, रहे, कॉमन थिंग आ गई, लास्ट की होएगा होवेगा, होवेगी, होणगे, ठीक है। इसनों फ्यूचर इंडेफिनेट दे नाल तुसी कंफ्यूज ना, मिक्स ना कर लियो, क्योंकि उस उसकी पछाण आपां कीती सी गा, गे, गी, इस दे भी है, पर वो मैं दस्या सी गा, गे, गी क्रिया दे जुड़िया होना चाहिए ता मनदे आपां भी फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक हो। इत्थे जो है रहा, रहे, रही भी है प्लस नाल, ठीक है। ये डिफरेंस दिमाग रखनी है गल, क्योंकि जिन्हें भी फ्यूचर टेंसिस होंगे गा गएगी तो सारे ही आओगे लास्ट ही, सिर्फ गा गएगी नहीं देखना, अपने गा गएगी वो देखना है जो क्रिया के जुड़िया हो, ठीक है। जिस तरह जावेगा, खावेगा, पीवेगा, रोएगा, खेडेगा, हसेगा, इस तरह के वाक होंगे उन्होंने मनेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट दे, पर जिन्हें लास्ट से रहा होगा, रही होगी, रहे हो गया, उसमें आप मनेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक ने, वाक ने, ठीक है जी। ओके, हुण गल करते हैं आप इंग्लिश के पछाण की, पंजाबी पछाण क्लीयर हो गई होएगी सारे नूं। इंग्लिश के देखो, क्योंकि रहा, रहे, रही कॉमन थिंग है, ठीक है, तो इंग्लिश के भी कोई ना कोई तो कॉमन चीज़ फिर होगी, ठीक है। को कॉमन की है, इतने प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, या आई एन जी फॉर्म भी कह देंगे, फस्ट फॉर्म प्लस आई एन जी भी कह देंगे, हाँ ठीक है, फस्ट फॉर्म के आई एन जी प्लस होया होता है, ये कॉमन है। इस टेंस के भी आऊगी, पास्ट कंटीन्यूअस के भी है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस के भी है, तिना के आई एन जी फॉर्म लगनी लगनी है, क्लीयर। हुण होर डिफरेंस की रह गया हैल्पिंग वर्ब का, इधर हैल्पिंग वर्ब अपने को तीन ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, ठीक है, एक इज है, एक एम है, तीजी हैगी अपने को आ,
आर इसमें आ बोलेंगे आ आर नहीं होता वैसे आ र साइलेंट होता है इसके साइलेंट करेंगे ठीक है ते इज एम आ इट थ्री हेल्पिंग वर्ब्स ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दे विच हुन इना दा इधर दो ने वो जेड वर्ब इधर भी दो ने शैल बी ते विल बी ठीक है आपा पहला समझदे हां कि केडी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट नाल यूज होएगी ये तो हमारे कोले एक टॉपिक भी है सिलेबस दे विच सब्जेक्ट एंड वर्ब कंकॉर्ड ठीक है ते भी केड़े सब्जेक्ट नाल केड़ी वर्ब लगनी चाहिए है एग्जामिनेशन दे विच क्वेश्चन आउंदे ने ये सारियां गल्लां इत्थों चलणगीआं इन्हां नूं हुण समझदे जाओ एक स्पेशल सैशन भी आपां लगावांगे सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड ते ठीक है उस दे विच आपां देखांगे कि केड़े सब्जेक्ट नाल केड़ी वर्ब लगनी चाहिए है कुछ टिपिकल केसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल आपां उन्हां नूं समझांगे फिलहाल इत्थे ध्यान रखियो कि जो इज है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाल ही लगती है थर्ड पर्सन सिंगुलर पे अपना स्पेशल लेक्चर भी पे एक चैनल पे वो भी तुसी देख सकते हो तुहानू पता लग जाएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म किवें बनती है ते किवें उसनू यूज किया जाता है ठीक है इसे तरह एक आई एन जी फॉर्म पर भी अपना लैक्चर मैं बनाए हुए छोटे छोटे लैक्चर ने फाइव पार्ट्स के शायद कवर किया हुआ है आई एन जी वर्ब के आई एन जी किवें प्लस करते किवें जोड़ते आप एड किवें होंगे आई एन जी की नियम ने उसके वो चैनल पर पे ना वो तुम समझ लो उन्होंने देख लो एक बार वीडियोज़ में तुम्हें पता लग जाए फिर मिसटेक नहीं करोगे तुम फिर ठीक है चलो हूँ आप इतने गल करते हैं भी इज जो थर्ड परसन सिंगुलर नाल यूज करना आपने थर्ड परसन सिंगुलर कहे होंगे ने जिमें कि ही है शी है इट है किसी का नेम भी हो सकता है उन्होंने आप कहने भी थर्ड परसन सिंगुलर ने एक दिमाग में थोड़ी ट्रिक नाल इसको याद रख सकते हो देखो इस लास्ट देना एस आया हुआ एस ए समझ लो भी एस का मतलब सिंगुलर मान लो तुम एस सिंगुलर एवं मान लो जिथे जिस भी हैल्पिंग वर्ब के एस आ गया एक कॉमन थिंग दस रहा मैं ट्रिक है दिमाग थोड़े बैठ जाएगी तो ध्यान रहेगा कोई भी हैल्पिंग वर्ब या कोई भी मेन वर्ब ठीक है जिसके एस या ई एस लग्या हो उसनों हमेशा थर्ड परसन सिंगुलर नाल ही यूज करना है थर्ड परसन सिंगुलर सब्जेक्ट नाल ही यूज होएगी क्लीयर हूँ इज है थर्ड परसन सिंगुलर नाल लगेगा एम जो है स्पेशल है आई वास्ते है जिथे भी आई आ गया आई नाल एम यूज करना है ठीक है ओके उस तो बाद अपने को आ जाता है आर आर जिमें मैं पहले लिखा इतने प्लूरल सब्जेक्ट्स नाल यूज होगा जिन्हें भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए दे आ गए जिम्मे प्लूरल है वी है प्लूरल है चिल्ड्रन बॉयज गर्ल्स चेयर्स टेबल्स कोई भी प्लूरल हो सकता है चाहे वह फस्ट परसन का प्लूरल हो सैकेंड परसन का प्लूरल हो थर्ड परसन का प्लूरल हो ठीक है हरेक प्लूरल नाल प्लूरल सब्जेक्ट नाल आर अपने यूज करना है तो आई एन जी फॉर्म लगनी है उम्मीद करना इन्नी गल समझ आ गई होगी ठीक है इज थर्ड परसन सिंगुलर नाल एम आई नाल यूज करना है आर प्लूरल सब्जेक्ट्स नाल यूज होएगा यह हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अपने रूल्स पंजाबी पछाण इंग्लिश के पछाण की हैल्पिंग वर्ब लगनी है कि मेन वर्ब यूज होनी है इस तो बाद इसके एग्जाम्पल्स इकट्ठे ही लगाने तिना के पहले इधर आप देख लीए पास्ट कंटीन्यूअस का हूँ पास्ट कंटीन्यूअस के देयर आर टू हैल्पिंग वर्ब्स वोज एंड वर्ब वोज एंड वर्ब वोज हैल्पिंग वर्ब देखो तुम एस लगे हुए लास्ट से लगे हुए एस इसका मतलब की है ये सिंगुलर सब्जेक्ट नाल यूज होगी कॉमन गल है जो एस आ गया लास्ट से सिंगुलर नाल यूज होएगी होर भी वर्ब्स ने एस वाली जिम्मे डज है पिछे ई एस लगे हुआ हैज है एच ए एस हैज एस लगे हुआ है वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट नाल यूज होगी ठीक है इसे तरह कोई भी वर्ब जिसके पिछे एस लगे हुए ई एस लगे हुए या आई ई एस लगे हुए चाहे वह एज हैल्पिंग वर्ब आई हुई है चाहे वह मेन वर्ब के तौर पर आई हुई है वह लगेगी हमेशा थर्ड परसन सिंगुलर सब्जेक्ट नाल क्लीयर ओके नैक्सट है अपने को वर्ब वर्ब जो है प्लूरल सब्जेक्ट नाल लगना है इतने अपने को हैल्पिंग वर्ब ही दो ने तीजी अपने को हैल्पिंग वर्ब है ही नहीं होर ठीक है वॉज सिंगुलर नाल लग जाएगा तो वर्ब जो है प्लूरल नाल लग जाएगा ठीक है जी तो आई एन जी फॉर्म लगनी लगनी आपको पता है पहले आप डिस्कस कर चुके हैं जिन्हों वाकों के रहा रहे रही आ गया उत्थे आई एन जी फॉर्म लगनी इन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप कह देंगे हाँ वर्ड प्लूरल नाल वॉज सिंगुलर नाल क्लीयर ओके नैक्सट देखो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस के लिए दो हैल्पिंग वर्ब्स ने शैल बी एंड विल बी इस देखो दो पार्ट ने हैल्पिंग वर्ब के दो पार्ट ने शैल ते बी इसनों एक तो मन्ना कि हैल्पिंग वर्ब एक है सिंगल हैल्पिंग वर्ब है बट इट हैज टू पार्ट्स ओके इसे तरह जो है विल बी है विल बी एक हैल्पिंग वर्ब है बट इट हैज टू पार्ट्स विल एंड बी
दो हैपिंग वर्ब्स लगनगियां इसके विच ते आई एन जी फॉर्म लगनी है। हुण ये पहला आपां फ्यूचर इंडेफिनिट दे विच कीता सी कि शैल कहड़े-कहड़े सब्जेक्ट्स नाल यूज होएगा, ठीक है। दोबारा फिर दस दिंदा मैं आई एंड वी इन्हां सब्जेक्ट्स नाल शैल बी यूज करना है, बाकी जिन्हें बच गए ठीक है, चाहे वह सैकंड परसन ने थर्ड परसन ने सिंगुलर ने प्लूरल ने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो मर्जी हो उन्होंने विल बी यूज करा। हूँ देखो मैं क्या यू यू सैकंड परसन है विल बी लगेगा, ही शी इत दे इत थर्ड परसन हो गए, ठीक है, इन्हों विल बी लगना है, चाहे सिंगुलर है प्लूरल है कोई भी है इन्हों जो है विल बी ही लगना है। सिर्फ फस्ट परसन है आप फस्ट परसन कहें आई एंड वी न, यह भी ध्यान रखियो आई एंड वी फस्ट परसन है, यू सैकंड परसन है, ही शी दे इट नेम जिन्हें भी बाकी बच गए सारे थर्ड परसन ने, ठीक है। सो चलो हूँ एग्जाम्पल्स आप एक एक एग्जाम्पल लेंगे इन्हों का, तो उस सारी गल तुम क्लीयर हो जाएगी। चलो पहला एग्जाम्पल आप करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस लवेंगे, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव। तो लिखते आप देखो ओह पत्र लिख रहा है अगले लास्ट, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी अपनी ओ, यानी कि लिख रहा है एक बंदा है लड़का एक है तो ही आ जाएगा। हूँ ही सिंगुलर है, सिंगुलर नाल इज हैल्पिंग वर्ब लगेगी, इतों पता लग गया अपन रहा है आ गया, रहा है आ गया ना, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक है, इज एम आर आई एन जी फॉर्म लगानी है, ठीक है। सब्जेक्ट की है ही नाल इज हैल्पिंग वर्ब लगनी है, ही इज लिखना राइट, राइट की स्पैलिंग वैसे इस तरह होंगी है, ठीक है, पर जो आप आई एन जी जोड़ते हाँ तो ई नू कट दें तो फिर आई एन जी प्लस कर देंगे। आई एन जी के नियम न संबंधित वीडियोज़ है चैनल तो देख सकते हो, ही इज राइटिंग अ लैटर, ठीक है। सब तो पहला आपने लिखा सबजैक्ट, फिर आपने हैल्पिंग वर्ब लगाती इज, इतने इज एम आर तीन ने कोई एक यूज होगी अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट। उस तो बाद आपने प्लस करता व फस्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी कि आई एन जी फॉर्म लगाती, उस तो बाद ऑब्जेक्ट यूज करता, ये बन गया प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आई एन जी फॉर्म ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर इन्हों भी सेम ही रहना है पॉजिटिव का, ठीक है। चलो आप एक सेंटेंस इधर पास्ट कंटिन्यूस का लिख लें, इस लिख लें आप पत्र लिख रहा सी, हूँ इतने सी आ गया, ठीक है, यानी कि रहा सी आ गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अपने को वॉज एंड वर टू हैपिंग वर्ब्स ने, तो प्रेजेंट फॉर्म सॉरी अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है, इस तरह एक बार 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 बोल रहे हैं ताकि तुम्हें याद हो जाए, क्योंकि अपने पार्टिसिपल्स भी करने हैं, अभी ग्रामर का एक पार्ट है गया पार्टिसिपल्स करेंगे उदो तक तो गल याद हो जाएगी, इन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, याद रखियो। वो पत्र लिख रहा सी, वो यानी कि ही सिंगल है, इस करके वोज या वर विचों की आएगा वोज, इतने लिखा एस एस का मतलब सिंगल, ही वोज राइटिंग ओही आई एन जी फॉर्म लगानी आपने, ही वॉज राइटिंग अ लैटर, सब्जेक्ट आ गया, दैन हैल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आई एन जी फॉर्म आ गई अपने को, उस तो बाद ऑब्जेक्ट आ गया, सेम स्ट्रक्चर है इधर भी तो इधर भी, सिर्फ तो सिर्फ की डिफरेंस आया इतने इज लग गया इतने वोज लग गया, हेल्पिंग वर्ब के डिफरेंस आना नहीं, बाकी सेम 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 सारा कुछ, ठीक है। इधर देखो फ्यूचर कंटिन्यूस दे विच ओ पत्र लिख रहा होवेगा, रहा होवेगा, इतों पता चल गया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यह सेंटेंस है वाक है, ठीक है। ओ यानी कि ही, हूँ देखो ही नाल शैल बी लगेगा तो विल बी, शैल बी नहीं लग सकता क्योंकि शैल बी यूज होता है आई एंड वी नाल, इस करके इतने लगेगा विल बी, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इतने भी वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट यूज किया पहला फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, चाहे दो पार्ट ने इकट्ठे अपने यूज करते थे, ठीक है। उस तो बाद जो है अपने को आई एन जी फॉर्म आ गई, उस तो बाद ऑब्जेक्ट अपने यूज कर दिता है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है तिना का पॉजिटिव का, ओके। हूँ गल करते उम्मीद करता भी समझ आ गई होगी, जे एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लियो बिल्कुल क्लीयर होएगा।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੀ ਇਜ, ਇਹ ਹੈਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਹੀ ਇਜ ਨੋਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ, ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੋਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੋਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਫਿਰ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਤੇ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਫੋਰਮ ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਨੋਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਫੋਰਮ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਥ ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਐਂਡ ਬੋਥ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਹੈਵ ਟੂ ਪਾਰਟਸ, ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ, ਸ਼ੈਲ ਵਨ ਪਾਰਟ ਬੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਵਿਲ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਬੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਥ੍ਰੀ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੀ ਹੀ ਨਾਲ ਵਿਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਆਈ ਐਂਡ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੀ ਵਿਲ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲਗਾਉਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਛੱਡਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਲਗਾਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਥ੍ਰੀ ਪਾਰਟਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਲੀਅਰ। ਹੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਨੋਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਬਜੈਕਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਫਿਰ ਨੋਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜੇਕਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਚਕ ਵਾਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਨੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ
ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਜ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਜ ਹੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖੋਗੇ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੋਟ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਫੋਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵਾਜ ਹੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਫੋਰਮ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਜ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈ ਅਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵਿਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਵਿਲ ਹੀ ਬੀ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਆ ਉਹੀ ਵਿਲ ਹੀ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ ਸੋ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪਾਰਟਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਫੋਰਮ ਆ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਪਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕੰਮ ਆਉਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪੱਤਰ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
ठीक है, जहां आप कह लें वो पत्र क्यों लिख रहा है या मैं पत्र क्यों लिख रहा हाँ। चलो एक सेंटेंस ले लेने अपन, मैं पत्र क्यों लिख रहा, मैं पत्र क्यों लिख रहा हाँ, ये अगली गल। हुण सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है पर इस दे विच क्यों भी आ गया, क्यों इस दे विच शुरू च की नहीं आया, इतने की है देखो शुरू च, इतने शुरू च की नहीं है पर फिर भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्यों है क्योंकि इस दे विच क्यों आ गया, क्यों मैं पत्र क्यों लिख रहा हाँ, तो सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है, जो स्ट्रक्चर है वो आप इंट्रोगेटिव का ही फॉलो करना है, ठीक है। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए सेंटेंस फ्रेम कर लो सेम, ठीक है, यानी कि की मैं पत्र लिख रहा यही लिख लो, इज मैं अगर ना एम आ गया हूँ इतने, पहला अपने ही नाल इज लगाया सी, इतने दस्या देखो आई नाल एम हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है, एम आई राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क, बन गया जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिर्फ अपन सेंटेंस चेंज कर लिया ना, इधर इज वाला सेंटेंस लिया सी, इधर अपन ले लिया आई एम वाला, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर की मैं पत्र लिख रहा हाँ। हुण सेंटेंस अपने कोल है गया मैं पत्र क्यों लिख रहा हाँ, कुछ नहीं करना अपने, सिर्फ जो क्यों है ना इसकी इंग्लिश देख लो की है, इसमें आप कहते हैं वाई, वाई नू इत्थे लिख दो पहले नंबर पे चैप्टर, सेंटेंस बन गया डब्ल्यू एच फैमिली का, ठीक है, स्ट्रक्चर की बन देगा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आई एन जी फॉर्म, ऑब्जेक्ट ते क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सेम चीज इन्ना टेंसेस दे विच है, ठीक है, स्ट्रक्चर ओही इंट्रोगेटिव का फॉलो करोगे तुसी, पर जो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड उसको पहले नंबर पर लिख दोगे। डबल्यू एच फैमिली के वर्ड्स कहे-कहे ने, जिमें कि अपने को है गया हू, वट, वैन, वेयर, वाई, हूम, हूज, हाउ, ठीक है, इन्होंने सारे आप कहने डबल्यू एच फैमिली के वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कह देंगे, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा है तीन के तीन टेंस तुहानू क्लीयर हो गए होंगे, मैं तुहानू डिटेल दसती, रूलिंग दसती, एग्जाम्पल्स नाल समझा दिता, ठीक है, इसनों एक बार ना समझ आए दो बार सुन लो वीडियो नू, क्लीयर हो जाएगा, उस तो बाद जो अपने टेंसिस कवर हो गए अपने प्रैक्टिस सैशन भी रखा इन सारे टेंसिस के आप उस प्रैक्टिस करा जिमें कि पेपर के आना ना एग्जामिनेशन आने क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग आप फिर प्रैक्टिस करेंगे। हूँ मैं प्रैक्टिस नाल इस करके नहीं करवा रहा ताकि पहला ही रूल्स जो है याद हो जाए, टिप्स तो होने चाहिए ने, ठीक है, हम याद रखियो प्रेजेंट कंटीन्यूअसली की पछाण है रहा है रही है रहे हैं रहा हाँ, ठीक है, ये है पास्ट कंटीन्यूअसली की पछाण है रहा सी रही सी रहे सन, फ्यूचर कंटीन्यूअसली पछाण की है रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहियां होंगियां, इस तरह पछाण है। इधर आई एन जी फॉर्म तिना च लगनी है, कॉमन गल है प्रेजेंट फॉर्म लगनी है, क्लीयर हो गया, मेन वर्ब तो क्लीयर है, तो इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर थ्री फॉर्म्स ने, इज लगाओगे सिंगुलर सब्जेक्ट नाल, थर्ड परसन सिंगुलर नाल, एम लगाओगे आई नाल, आर लगाओगे प्लूरल सब्जेक्ट्स नाल। इधर पास्ट कंटीन्यूअस अपने को दो ही हेल्पिंग वर्ब ने वोज एंड वर्ब, वोज सिंगुलर सब्जेक्ट नाल लगा दो, वर्ब नू प्लूरल सब्जेक्ट्स नाल लगा दो, ठीक है। इधर भी दो ने हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटीन्यूअस शैल बी तो विल बी, शैल बी आप यूज करेंगे आई एंड वी सब्जेक्ट नाल, बाकी जिन्हें सब्जेक्ट बच गए सारे नाल विल बी यूज करांगे। उम्मीद करता तुहानू सारे जो टॉपिक क्लीयर हो गया होगा, तो अज लई बस इन्ना ही काफ़ी है, आप फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो के अगले टेंसिस नाल, तद तक लई थैंक यू वेरी मच, एंजॉय दिस वीडियो।